फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं वेडिंग में जा रही थी, मैं सोचा मैं कैसे रेडी होती हूँ आपको सिखाती हूँ, आप भी इजीली घर पे हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक्सपेंसिव पार्लर के खर्चे। तो सबसे पहले हम अपनी आईज़ को कंसील करेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले ना आईज़ बेस बनाऊँ, क्योंकि आप वेडिंग्स वगैरह में जा रहे हो तो थोड़ा ग्लिटरी आईज़ वगैरह अच्छी लगेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी आईज़ को कंसील करेंगे, से कंसील करेंगे। इस तरह से अच्छे से आप शेप में कंसील करेंगे। आप बहुत इजीली बना सकते हो अच्छी सी आई, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है बेस पे। आई बेस आप अच्छे से सेट कर लोगे, आपकी बहुत इजी अच्छी आईज बन जाएंगी। आपको नीड नहीं है एकदम सलून्स वगैरह में, पार्लर्स में जाने की, घर पे अच्छा सा मेकअप कर सकते हो इजी। अब मैं स्टेप टू स्टेप दिखाऊंगी आपको, तो आपको देखते रहना है। तो मैं अच्छे से करने के बाद ना थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी। जैसे बेस बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही आई बेस भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं रेवोल्यूशन की पैलेट लूँगी, दिस वन। आपके पास कोई भी पैलेट हो आप वो यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको सेम करनी है। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ आप वही करें, किसी से भी कर सकते हो। इससे मैं वाइट शेड लगा के उसे पूरा सेट कर लूँगी आईज़ को अच्छे से। कॉम्पैक्ट है आपके पास, कॉम्पैक्ट से कर सकते हो, और जो आपके पैलेट में वाइट शेड नहीं है, बट मैं इस टाइम कॉम्पैक्ट निकालने से अच्छा इससे सेट करना पसंद करती हूँ, मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। मैंने अच्छे से क्रीज लाइन सेट की है। अब मैं दूसरी पैलेट लेती हूँ, उसमें मुझे ब्राउन शेड चाहिए थोड़ा। मेरा रेड ड्रेस है तो मैं थोड़ा रेड नहीं करना चाहती, कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ। देखते हैं क्या बन के आता है, कुछ डिसाइड नहीं किया है। मैं कभी भी आई मेकअप डिसाइड करके नहीं करती, जैसा करती हूँ बस होता चला जाता है। तो ये मेरी हुदा की पैलेट है, उसमें से मैं लाइट ब्राउन शेड लूँगी सबसे पहले। ऐसे आपको स्टार्टिंग इधर से करनी है और अंदर की साइड लेके जाना है, कभी भी इधर से स्टार्ट नहीं करना होता है बेस में, हमेशा आपको इधर से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है, सेम मैं ये करूँगी आई साइड को। अब मैं इसमें से थोड़े ना, इसमें अच्छे शेड्स हैं आप देख सकते हो, आपको आईज़ पे वर्क करने के लिए काफ़ी अच्छे कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं मिरर इसमें से लूँगी, मैं इससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन, थोड़ा पर्पल लेके ना, पिंक और पर्पल को मिक्स करके लूँगी। अब कितना प्यारा लगता है पर्पल पिंक मिक्स करके लगाएंगे तो। खाली पर्पल मत लगाना फ्रेंड, हमेशा बेकार लगता है वो। जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट आइज़ करनी है तो उसमें पिंक मिला लें, कोई भी न्यूट शेड मिला लें, और हमेशा जो सबसे लाइट कलर्स हो आपके पैलेट में उससे ही वर्क करें। आपको एकदम अच्छा सा आई मेकअप मिल जाएगा, देखते चले दोनों आई सेम बन रही है या नहीं।
अब मैं सबसे डार्क कलर पैलेट का पर्पल इनर कॉर्नर में अप्लाई करूंगी। मैं इसे ही यहीं पे राउंड राउंड करूंगी, अच्छे से ब्लेंड करूंगी। सेम ऐसे ही मैं इधर अप्लाई करूंगी, अच्छे से इसको ब्लेंड करूंगी इनर कॉर्नर में। मुझे ये ऊपर तक नहीं लेके आना है, बस ये यहीं रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर और लगाऊंगी एक बार करने के लिए। देख सकते हैं आप कितना अच्छा शेड आने लगा है अभी से। कोई भी फ्लैट ब्रश पे आपको जो थर्ड कलर कुछ आईज पे देना हो कुछ अलग, मैं थोड़ा सा इस पे ग्रीन दे रही हूँ। मैं इधर ना इधर ये ग्रीन अप्लाई करूंगी ऐसे। आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हो, बट इससे बहुत प्यारा ग्रीन है ये। सो फ्रेंड, अब मैं इनर कॉर्नर पे जहाँ मैंने गोल्डन शेड लगाया था वहाँ थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई करूँगी, बहुत माइल से। मतलब मुझे पूरे लिप पे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सेंटर। तो ऐसा होता है ना, आइस को थोड़ा सा कहीं से अट्रैक्ट लगना चाहिए। तो इस तरह से मैं प्रेस करती हूँ अच्छे से और आपको जल्दी से मिलते हैं। फ्रेंड, जो भी आपकी आइस से वो हुआ, आप टिश्यू लेंगे ऐसे ऐसे टच ऑफ कर लेंगे इस स्लाइड में। आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, जो भी आप पास है। मेरा कहाँ है, मैं अपना ढूंढ लेती हूँ। मैं यही यूज़ करती हूँ, चाहे मुझे नॉर्मल डेज में करना हो या मेरे लिए तो ये फेवरेट है। मतलब सबका अपना एक स्किन पे जाता है, सबको पता होता है हमारी स्किन पे ये जाता है, तो मेरा तो फेवरेट ये है। आप अप्लाई कर सकते हो, मेकअप बहुत लॉन्ग लास्ट रहता है, इससे कुछ पैचेस नहीं पड़ते। विंटर्स हो या समर्स हो, दोनों के लिए बेस्ट है। मैं तो सेम ही मतलब अप्लाई करती हूँ, अच्छे से मसाज करके। सो फ्रेंड, मैं विंटर में मॉइस्चराइजर के बाद सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ, ना कि प्राइमर, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई रहती है। तो मुझे लगता है कि मुझे प्राइमर इतना विंटर्स में सूट नहीं होता, तो मैं सेटिंग स्प्रे लगा लेती हूँ। फेसिस का लगाया मैंने, आप जो दिल चाहे आप वो लगा सकते हैं, जो आपके पास हो। ऑलमोस्ट सारे वही सेम ही काम करते हैं, बट आपकी स्किन टाइप कैसा है उस पर बेस करता है। तो मैं इसे थोड़ा सा बेस को सेटल होने दूंगी, क्योंकि मैंने जो मॉइस्चराइज़र और फिक्सर लगाया है, इसे थोड़ा मैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए सेट हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आपका शेड डार्क कलर से करेक्ट करें, जहाँ भी आपको थोड़ा सा डार्क सर्कल्स है, वरना आपका बेस ग्रे लगेगा। या तो आप ऑरेंज, और जो आपकी थोड़ी सी डार्क टोन स्किन है तो आपके लिए ऑरेंज आएगा, और आज जो आपका फेयर टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन है अच्छा, तो आपके लिए जाएगा डार्क कलर, या फिर पीच कलर आता है एक, उसमें मैं थोड़ा अपनी सी स्किन से 8-10 शेड डार्क कलर से करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इससे मेरा बेस भी ओवर वाइट नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्किन के नीचे मैं डार्क कलर लगाती हूँ, तो उससे काफ़ी, क्योंकि आप मेरी स्किन से देख सकते हैं ये ऑलरेडी बहुत डार्क है। तो मैं जहाँ भी मुझे लगता है मैं उसे बेस को बना के लगा लेती हूँ ऐसे। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कंसीलर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट बेस्ट कंसीलर है अपने से डार्क स्किन के लिए लेना। मेबेलिन और एलेगल को मैं मिक्स करके ही लगाती हूँ, जब भी अंडर आईज पे ऐसे लगाती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका बेस का। अब मैं मेबेलिन का फाउंडेशन थोड़ा मिक्स करके अपनी स्किन पे इसे बेस को बनाऊंगी और लगाती हूँ, देखते हैं कैसे इफेक्ट आता है।
सो फ्रेंड, ये मेबलिन का शेड भी लाइट है, बट मुझे थोड़ी देर बाद थोड़ा डार्क लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके साथ लाइट कंसीलर में जाती हूँ। अदरवाइज़ देखिए आप, बेस कितना अच्छा लगता है मेबलिन का। मतलब ये मेरी सेकेंड स्किन सा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत सारा कुछ हैवी फाउंडेशन लगाया है, जो कि मेरी स्किन पे जाता भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं है इतना। देखिए, कोई चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ किसी चीज़ का नाम, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि मैंने कौन सा क्या यूज़ किया था। आप कमेंट करना, मैं बताऊँगी। और बहुत ईजी सा मेकअप है, आपको मतलब बहुत ईजिली कर सकते हैं घर पे कोई भी। कोई इतना लग्जरी प्रोडक्ट्स या हाई ब्रांड मैंने यूज़ नहीं किया है, काफ़ी अफोर्डेबल है। आप लोग बाय करके यूज़ करके ऐसे कर सकते हो। अभी ये लाइट में थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा है बेस पर, मेरा काफ़ी स्किन से बिल्कुल नेचुरल है। अब मुझे कंसीलर जो है लाइट यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं नोज पे करती हूँ कंटूरिंग, तो मुझे इतनी नीड नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है कि बेस में थोड़ा सा शेडो आ जाए। ठीक है, हमेशा आप कंटूरिंग डाउन नीचे की तरफ करेंगे, कभी ऊपर अप नहीं करेंगे। और जो हेयर लाइन वाली होगी वो अप फॉरमेंट डाउन नहीं करना उसको, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉरहेड की आपको अप वे में करनी है, चिंग्स की भी अप वे में, और जॉ लाइन की डाउन में, नीचे की तरफ आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब मैं के ब्यूटी का लिक्विड ब्लश लगाऊंगी। आपके पास जो भी लिक्विड ब्लश हो, अभी तक मैं रेयर ब्यूटी का था, वो भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं, बट आप देख लेना आपके पास कौन सा उस टाइम हो। बट मुझे लगता है बेस में थोड़ा सा विंटर्स में थोड़ा सा भाई मुझे लिक्विड ब्लश ज़्यादा अच्छे लगते हैं, समर्स में इतने मुझे प्रेफरेंस नहीं है कि मैं लिक्विड ब्रश की तरफ जाऊँ, पर विंटर्स में मुझे चाहिए होता है लिक्विड ब्लश। कोई नहीं, अभी ये बहुत ओवर लग रहा है, सब सेटल डाउन कर दूंगी मैं, आप देखते रहिए। सो फ्रेंड, मैं अपने मिनी ब्लेंडर को सेटिंग स्प्रे से सेट करूंगी, देन आई ब्लेंड अंडर आई मेकअप। तो मैं ऐसे से उसको डैप कर लूंगी, अब मैं उसको ब्लेंड करूंगी। मैंने मिनी ब्लेंडर इसलिए लिया है, मुझे लगता है इससे वर्क करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बड़े के साथ। इस तरह से मैं इसको सेट करूंगी। मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, और मैं मिलती हूँ। सो फ्रेंड, ट्रांसलूसेंट पाउडर से जल्दी से सेट कर लो, कंसीलर ब्लेंड करती हूँ। अच्छे से बेस को लॉक करना ज़रूरी होता है, वरना क्रीज लाइन आ जाएगी। बेस को जितना अच्छा लॉक करोगे उतना लॉन्गर फिर आपका मेकअप चलेगा, आप फुल शादी में कॉन्फिडेंटली इंजॉय कर सकते हो, और जब आपका बेस अच्छे से लॉक हो गया है तो। आई होप फ्रेंड ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगा हो। इसकी एक क्लिप एंड की डिलीट हो गई है, मैं नेक्स्ट टाइम पूरा बना के डाल दूंगी। और फ्रेंड, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।